नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के श्योपुर विधायक बाबू जंडेल पर हमले की कोशिश। विधायक और उनके गार्ड के साथ अभद्रता और गाली गलौज। फोर व्हीलर गाड़ी से थे कुछ व्यक्ति। श्योपुर मार्केट की घटना। बीजरा गाड़ी से पीछा किया और जान से मारने की दी धमकी। श्योपुर विधायक का आरोप, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ब्रजराज सिंह के समर्थक है पीछा करने वाले व्यक्ति। भाजपा सरकार पर बोला हमला, कानून व्यवस्था को लेकर हमला। थाने के सामने हाथ लहराते हुए उंगली दिखाते हुए निकले गाली गलौज करने वाले व्यक्ति। दोनों व्यक्तियों की गाड़ी पुलिस के कब्जे में, लेकिन आरोपी फरार। विधायक ने कहा मेरे साथ कुछ हुआ तो प्रशासन होगा जिम्मेदार। आरोपियों ने गोली मारने की भी दी धमकी। श्योपुर संवाददाता मनोज कश्यप की रिपोर्ट। क्या हुआ है? मैं मेरे ऑफिस में बैठा था, 3 बजे के आसपास मैं मेरे घर पे खाना खाने के लिए जा रहा था, तो राठी की दुकान के सामने पेट्रोल पंप के आगे मेन रोड पे गाड़ी खड़ी करके गाली गलौज करने लग गए। दोनों ने फुल शराब पी रखी थी। जैसे मैंने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी वापस कर, कोई दारू ले आया, तो देख करके वापस मेरे गाड़ी के पीछे गाड़ी लगा दी। जैसे मैं क्रॉसिंग करके बच के आगे निकला तो 6 मजार आता है, यहाँ 100 नंबर की गाड़ी खड़ी थी, क्या नंबर है, यहाँ भी मेरे पीछे लग के जड़ मारने की पूरी कोशिश की। तो मेरा ड्राइवर से बाल बाल बचा, और 100 नंबर वाले पुलिस वाले थे, गाड़ी खड़ी थी, कैमरा है। जैसे मेरा गार्ड उतरा उनकी तरफ पूगा, तो उन लोगों ने गार्ड से भी भयंकर गाड़ी काट दी और अपनी जीप लेके चले गए। विधायक, आपके पास एक आवेदन लेके आए, उनको धमकी दी गई है, क्या मामला है और क्या कार्रवाई की आपने? याचम विधायक साहब बाबू जंडेल जी थाने पर आए थे, जिसमें उनके द्वारा एक आवेदन पेश किया गया है, जिसमें बताया गया है कि दोपहर में बड़ौदा रोड पर राठी की दुकान के सामने उनकी गाड़ी जो है वो रोकी गई है। एक विटारा ब्रेजा गाड़ी के का उल्लेख किया गया है। उस गाड़ी में से 2 व्यक्ति उतरे, उन्होंने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। ये दोबारा फिर 6 हज़ार रुपये उनकी गाड़ी रोकी गई और उनको दोबारा उतर के और जान से मारने की धमकी दी गई थी। तो इस पर से उन्होंने एक आवेदन दिया है, जिसको जिसपे से FIR की जा रही है और इसे विवेचना में लेकर विधि संगत कार्रवाई की जाएगी।